जनवादी लेखक संघ के बैनर के नीचे जो ये साहित्यिक उत्सव हुआ है, इसमें जन की बात हो रही है, जन प्रतिबद्धता की बात हो रही है कि हम किस तरह का लेखन करें, हम किसके पक्ष में खड़े हैं। यहाँ पक्षधरता की बात हो रही है कि हम किस ओर हैं, ये मुद्दा यहाँ मेन मुद्दा है। हम उस ओर हैं जो एक श्रमजीवी वर्ग है जिसके बल पर पूरी दुनिया मौज मार रही है, जिसके बल पर पूरा परजीवी वर्ग है वो मौज मार रहा है। इसलिए हम हमारे श्रमिकों को किस तरह से संगठित करके और परजीविता पर मतलब है कि परजीविता का विरोध करें, प्रतिरोध करें, ये प्रतिरोध के सुर का मंच है। मैं कहती हूँ कि राजनीति हर जगह है। हम ये कह नहीं सकते कि भाई हम आर्टिस्ट हैं, हम पॉलिटिकल नहीं हैं। ये तो मेरे मित्र जो जितने स्टेज पे बैठे हैं सब मेरे साथ सहमत हो जाएंगे कि मैं पॉलिटिक्स तो नहीं जानती हूँ मगर मैं आर्टिस्ट हूँ, ऐसे कैसे कह सकती हूँ? मेरी चॉइस हर चीज़ में मेरे पॉलिटिकल डिसीजन है। मेरा ये कहना है कि जो कॉरपोरेट्स हैं वो सब चीज़ों पर कब्जा कर लेना चाहते हैं, उनसे उनके प्रतिरोध स्वरूप इस तरह के आयोजन होने चाहिए और हो रहे हैं, ये एक अच्छी शुरुआत। मुझे लगता है ये साहित्य उत्सव तो इसका नाम है लेकिन खाली साहित्य का उत्सव नहीं है ना, ये तो हर तरह के आर्ट फॉर्म का उत्सव है जो कि लोगों को लिबरेट कर रहा है। तो उसमें सिनेमा भी लोगों को लिबरेट कर रहा है, नई तरह का सिनेमा, इसलिए इसको रखा गया है। और ये जो फेस्ट हो रहा है ये डिफरेंट इसलिए है बिकॉज ये कुछ भी पेड और स्पॉन्सर्ड नहीं है लाइक अदर लिटरेचर फेस्ट, सो इसीलिए ये ज़्यादा स्पेशल है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं सब लोग जो है अपने एक्सपेंडिचर से आए हैं, कोई किसी ने एफिलिएट नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। ये जो जन साहित्य पर्व यहाँ पे पहली बार हो रहा है और हमारे जनता के लेखक और जो जन कवि हैं वो लोग आगे आए हैं, जिस तरह से जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के नाम पे कमर्शियलाइज फेस्टिवल चल रहा है, पेड लेखक आ रहे हैं वहाँ पे और एक तरह से पूरा इंडस्ट्री तैयार किया जा रहा है अपनी महंगी किताबें बेचने के लिए, पब्लिकेशन हाउस वहाँ पे आ रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं और एक जैसे पैरेलल सेशन की हम सुन रहे हैं अब की बार शुरुआत हो रही है, तो ये उन सबसे अलग लग रहा है। और लोगों का ये साहित्य पर्व है, इसमें एक जो वक्ता है उनकी भी भागीदारी उतनी ही है जितनी एक श्रोता की है जो यहाँ पे शामिल होने आया है। जन आंदोलन का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि आपके पास जो कलेक्टिव सबकी जो जिस चीज से हम सब परेशान हैं, जो कॉमन कंसर्न है हमारा, उसकी खोज हमें करनी होगी, जो सामान्य पीड़ा है हमारी उसको हमें तलाशना होगा, उसे इकट्ठा करना होगा और उसे एक दिशा देनी होगी। जो आज अपने देश में जो परिस्थितियां हैं वो काफ़ी कुछ ठीक नहीं है और जिस प्रकार जो अभी जो घटना घटित हुई है, जो करणी सेना ने जो बहुत सारे इवेंट्स किए हैं, बस पे हमला किया है, जो आज का युवा बेरोजगार है और धार्मिक उन्माद में ऐसी हिंसक घटनाएं कर रहा है तो उनको सही दिशा दिखाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों की बहुत ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा उनका पार्टिसिपेशन हो, इसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए। सफदर आसमी स्टेज के नाटक के अलावा नुक्कड़ नाटक की लेके आए और पूरे दिल्ली के इर्द गिर्द जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनके उन नुक्कड़ नाटक ने उन मजदूरों की समस्याएं, जो बहुत छोटी छोटी असंगठित मजदूर था, छोटी छोटी फैक्ट्रियों में किसी में 20 था, किसी में 50 था, किसी में 100 था, कोई मजबूत यूनियन नहीं थी, लेकिन रियल में उनकी जो समस्याएं थी मजदूरों की उनको नाटक के रूप में और वो भी नुक्कड़ नाटक के रूप में इस तरह से मजदूरों के बीच में उनकी भाषा में रखी गई और जो शोषक थे उन इतने भयभीत हो गए कि उनकी जान लेनी पड़ी। बेसिकली ये जो एग्जीबिशन है ये ग्रामीण महिलाओं के जीवन और उनकी जो मतलब चीज़ें हैं बहुत सारी जो जिस चीज़ों से वो निकलती हैं लाइफ में उनके बारे में ये पूरा एग्जीबिशन है और कैसे उस माहौल में रह गए, क्योंकि मैं भी एक ग्रामीण परिवेश से आया हूँ बट उसमें रहते हुए भी एक जो उनका जीवन का आनंद है ना उसको मैंने इसमें डिपिक्ट करने की कोशिश करी है और उनकी रोज़मर्रा के जो काम वो करती हैं बट उसमें भी उनका एक अलग ही एक उल्लास है वो सब मैंने इसमें दिखाने की कोशिश करी इस वर्क में। यहाँ पे सभी यंग आर्टिस्टों ने पेंटिंग बनाई, जितने भी ये यंग आर्टिस्ट हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी और स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित हैं और इस जन साहित्य जो उत्सव है
इस पर्व का एक हिस्सा रहे। तो हमारी ये इच्छा थी कि ये जितने भी यंग आर्टिस्ट हैं ये अपने स्टूडियो से बाहर आके एक नए स्पेस में स्टूडियो एक्सटेंशन उस स्टूडियो को फील करें। तो सबने ड्राइंग्स किए, पेंटिंग्स बनाई और जो जो जन साहित्य पर्व जो चल रहा था निरंतर जो अंदर जो डिस्कशंस हो रहे थे तो इन सब ने उन डिस्कशंस को सुना और वो किसी ना किसी मतलब रूप में वो वही सारे जो फील था उस फील को इन्होंने अपने मीडियम में ट्रांसफॉर्म किया। कहते हैं कि भाई आप इस थीम पे काम करोगे, आपकी ये थीम रहेगी, तो मतलब तो थोड़ी सी क्या कि बाउंडेशन वाली बात हो जाती है। और यहाँ मतलब हमें एक बोला था कि आपके पास कलर है, आपको जो आपके मन में जो आ रहा है जो आप कर सकते हैं फ्री, मतलब आप अपनी तरफ से पूरे फ्री हो, तो ऐसे में क्या कहा काम करने का बहुत अलग ही था एक्सपीरियंस, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था कि हम हमारी मर्जी से काम कर रहे थे, हमें कोई कहने वाला नहीं है और हम हमारे तरीके से काम कर रहे थे। हम मेन रूप से बात यह है कि जीवन की बात हो रही है, जीवन को बेहतर बनाने की बात हो रही है और जीवन पर जो हमले हो रहे हैं उन हमलों का मुकाबला करने की बात हो रही है, उन हमलों को परास्त करने की बात हो रही है।